Hey guys, welcome to my channel. I hope all you good. So guys, thumbnail देख के आप समझ गए होंगे कि ये एक review video है. Yes, मैंने एक pot stand खरीदा है. मैंने last week order किया था. दो तीन दिन हो गए हैं इसको आए हुए, पर मैं review नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने Monday को vaccination लिया था और मेरे fever आ गया था. तो आज मैं थोड़ा better feel कर रही हूँ. थोड़ा सा weakness है. आज Wednesday है तो अभी मैंने सोचा कि चलो video बनाते हैं. एक्चुअली मैं ये काफ़ी समय से ख़रीदना चाहती थी, पर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि मैं टाल जाती थी, पर फाइनली अब मैंने इसको ख़रीद लिया है. इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है कि आपको इसे असेंबल करना है. यस, तो आप इसको कहीं भी कैरी करके लेके जा सकते हो. स्पेस सेविंग है. 6 पॉट आप इसमें रख सकते हो. बट अभी मैंने खोल के नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मैंने भी जो रिव्यूज़ अमेज़ॉन पे लिए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने भी ख़रीदा है. बट मैं आपके साथ में एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि क्या सच में इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है. तो चलिए अब हम अपना पैकिंग ओपन करते हैं और आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे असेंबल करना है और आप इसको ख़रीद सकते हैं या फिर ये टोटल वेस्ट है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो गाइस, ये इस तरीके की पैकिंग में आया है. तो अभी हम इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितने पीसेस हैं. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ये स्क्वायर हैं और एक जो है वो रेक्टेंगल शेप में है. तो सबसे पहले और ये दो स्टैंड्स हैं, 5 और 4. ये 4 पीसेस दिए हैं. 2 पीसेस यू शेप के हैं और साथ में एक स्क्रू है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी क्वालिटी कि कहीं से डैमेज तो नहीं है. तो गाइस, सारे पीसेस सही हैं, किसी में भी कोई डैमेज नहीं है. तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे असेंबल करना है. तो सबसे पहले आपको ये 2 पीसेस लेने हैं. ये टोटल 4 हैं तो ये 2 लेने हैं आपको और इस तरीके से आप इसको रखोगे. इस तरीके से, सी दिस पार्ट. फिर 2 पीसेस आपको स्क्वायर वाले लेने हैं और मेक श्योर कि सारे जितने भी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल हैं सब में यहाँ पे स्क्रू लगे हों. तो टोटल 20 स्क्रूज हैं. तो अभी हमें इन स्क्रू को निकाल लेना है. अभी आपको इसे ऐसे पकड़ना है. सो अभी हम इसको यहाँ पे 2 होल्स बने हुए हैं, हम इसमें इन करेंगे और यहाँ पे हम स्क्रू लगाएंगे. स्क्रू को हम अभी एकदम टाइट नहीं करेंगे, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे जब हम पूरा असेंबल कर लेंगे.
अभी यहाँ पे देखिए दो होल्स हैं, इधर भी दो होल्स हैं, इसको हम नीचे से लगाएंगे। और सेम यहाँ पे भी हम अभी ना मैं इसको ऐसे करती हूँ क्योंकि मुझे लगाने में हो रही है प्रॉब्लम। ओके, तो इसी तरीके से हम दोनों स्टैंड्स को कर लेंगे। तो अभी ये दोनों हो गए हैं। ये ऐसे और ये ऐसे। अभी हमें क्या करना है, यू शेप लेना है। यू शेप केक आप इसको इसमें डालोगे और ये एक इसमें ये होल्स में आप इसको ऐसे इन करोगे। सो हमारे दोनों यू शेप इंटर हो गए हैं और मेक श्योर कि ये जो स्क्रू वाले पार्ट हैं वो अंदर की तरफ रहेंगे। अब हमें ऊपर साइड में ये स्क्वायर वाला पीस फिट करना है। सेम यही स्क्रूज ओपन करके इन दोनों में डालना है और इसको ऐसे इंटर करना है। तो अभी हमारा ये ऊपर वाला भी पार्ट हो गया है, अभी हम इस पार्ट को करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। तो हमें इस वाले पार्ट को लगाने के लिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो ये वायर्स है ना ये अप साइड में, क्योंकि देखिए सब में वायर्स अप साइड में है, तो इसमें भी ये अप साइड रहेगा। और सबसे पहले आपको इसको ऐसे करना है, फिर दो होल्स में आप इसको स्लैंटिंग थोड़ा एंटर करिए, इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और फिर इनर के होल्स में डालेंगे। मुझे भी बहुत डर लग रहा है स्ट्रेच करते वक्त, बट उसमें ऐसे ही मेंशन है। इसीलिए शायद इन्होंने बोला था कि स्क्रूज को आप पहले टाइट नहीं करोगे। अभी मेरा पूरा असेंबल हो गया है, अब मैं इसकी हेल्प से सारे स्क्रू को टाइट कर दूंगी। और बस अगर आपके ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये एकदम स्ट्रेट है, इट मीन्स कि आपका सही असेंबल हुआ है। सो आपको इसको संभाल के रखना है। तो गाइस अभी मैं आपको इसका मेजरमेंट बताती हूँ कि कितना आ रहा है। ये है पूरा 29 inches, विड्थ है 26 ऊपर से और यहाँ से है 31, मीन्स की टोटल जो है वो हमारा 31 inches है। और इसकी जो डेप्थ है वो है 9.5। तो जो हमारा एक पार्ट है अगर हम इसका मेजरमेंट बताएं तो ये है हमारा 8.5। तो जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो 8.5 के हैं और हमारा रेक्टेंगल शेप है 12 इंचेस का। तो मेरा ये असेंबल हो गया है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर रॉट आयरन में बहुत ही अच्छा लुक देता है। और मेरा लक अच्छा था कि कुछ भी डैमेज नहीं है, तो मुझे रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अच्छा है, असेंबल भी हो गया। अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो गाइस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये लोहा लाट नहीं है,
Yes. अगर आपको बहुत ही अच्छा रॉट आयरन चाहिए तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप लोकल शॉप में जाके देखिए। मैंने भी लोकल शॉप में पता किया था, सेम यही डिजाइन थी, थोड़ा बहुत डिफरेंस था और उसमें भी 5-6 पॉट्स रख सकते थे, तो उसका जो प्राइस था वो 4000 था, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही हैवी था वो। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हो तो फिर आप लोकल शॉप से जाके बनवा लीजिए, आप अपने मनचाहे डिजाइन बनवा सकते हैं। बट अगर आपका बजट कम है तो आप इसको प्रिफर करिए। अगर आपको हल्के पॉट्स रखने हैं, आप इस पर सीमेंटेड पॉट मत रखिए, आप इस पर सिरामिक पॉट्स मत रखिए, क्योंकि उनका खुद का ही अपना एक वेट होता है। तो जब उनका खुद का ही एक वेट होगा, फिर आप उसमें सॉइल भरोगे, प्लांट होगा, तो वो और हैवी हो जाएगा। शुरू में तो कुछ भी नहीं होगा, पर धीरे धीरे ये डैमेज हो सकता है। बट मैं आपको प्रेफर करूंगी कि 6-7 inches के पॉट, वो भी प्लास्टिक वाले जो पॉट होते हैं, वो आप इस पर रखिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, जब भी पॉट इसके ऊपर रखे हो तो कभी भी आप इसको ड्रैग मत करिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो प्लीज पहले पॉट हटाइए, उसके बाद ही आप इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करिए। और रेंटेड हाउस के लिए तो ये बेस्ट है, बिकॉज हम लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, तो मैं इसको इजिली असेंबल कर सकती हूँ। और अभी तो फिलहाल मेरी बालकनी बड़ी है, पर मुझे नहीं पता कि हम लोग नेक्स्ट हाउस में जाएंगे तो वहाँ बालकनी छोटी होगी या बड़ी होगी, तो मेरा वहाँ पे इजिली फिट हो जाएगा। आप इसको लिविंग रूम में रख सकते हो, आप इसको बालकनी में रख सकते हो, आप कहीं पे भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी बालकनी पूरी मैसी पड़ी हुई है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 month सिटी में नहीं थी, मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मेरे ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स जो थे वो सूख गए थे, कुछ ही प्लांट्स बचे थे। मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, बट वो सिर्फ 10 दिन तक ही काम करती है, आई थिंक 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक काम करती है, उसके बाद वो टेक्निक काम नहीं करती है। तो मेरे ऑलमोस्ट प्लांट्स सूख गए, तो मैं अभी कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, कुछ प्लांट्स मेरे पहले के बचे थे। तो मैं अभी जब भी बालकनी का मेकओवर करूँगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मेरे चैनल पे 200+ क्राफ्ट ट्यूटोरियल्स हैं, go and watch if you are interested in best out of waste and murals and macrams। आजकल मैं मैक्रम्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, तो आपको मेरे चैनल पे मैक्रम से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप परचेज भी कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अभी मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जाइए, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल हैं। तो ओके, बाय बाय।